इनकम स्टार्ट हो जाती है, सैलरी स्टार्ट हो जाती है इसमें। और क्या है, एमएनसीज में ये चीज़ रहते देखिए। और आपको जो है एमएनसी में काम कर रहे हैं आप, तो आपके डिग्रीज़ में गैप नहीं रहना। 10th के बाद फ़ौरन इंटर, इंटर के बाद फ़ौरन डिग्री, डिग्री के बाद फ़ौरन एलएलबी, एलएलबी के फाइनल ईयर में आए जब सीधा जॉब। आपको डिग्री, 10th, 10th इंटर, अलग अलग जो चीज़ों के पढ़ाइयों के बीच में गैप्स रहे, तो एमएनसीयों वाले प्रिफर नहीं करते ऐसे लोगों को। तो एमएनसी में ये माइनस पॉइंट है। और थोड़ा वेट गेन हो जाता, मोटे हो जाते, बीमारियां होने के इम्कान ज़्यादा हो जाते, क्योंकि जो है एक ही जगह बैठ के कंप्यूटर पे ताड़ 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 मार लेते रहना पड़ता, ऑडियो में चीज़ें सुनते रहना पड़ता, टाइप कर लेते रहना पड़ता, बैठे रहना पड़ता, आर्ग्यूमेंट करने का, चलने फिरने का नहीं रहता वहाँ ज़्यादा। तो एक वेट गेन का मसला रहता। जो लोग एमएनसीओ में ज्वाइन करे वो लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते रहना। और जो है आपको डे वन से इनकम स्टार्ट हो जाता। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डे वन से इनकम शायद नहीं स्टार्ट होगा, 1-2 साल लगेगा, 5-6 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप फिर रिटायरमेंट नाम की चीज़ नहीं रहती। आप जब तक चाहे प्रैक्टिस कर लेते रहो। तो होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा। थोड़ा कैजुअल और हैदराबादी अंदाज़ में बोल दिया मैं, वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ इन सच कैजुअल हैदराबादी उर्दू ज़बान। सलाम।